तो पिछले डार्क वर्ल्ड के एपिसोड में आप लोगों ने देखा था कि मैं एलेक्स को मंगू के कब्जे से छुड़ाने के लिए गया था, लेकिन जैसे ही मैं एलेक्स को छुड़ाने गया, मंगू ने वहाँ पर ऐसा ट्रैप बना रखा था जिस ट्रैप के अंदर मैं भी फंस गया था। फिर एलेक्स और मैं बहुत ही ज्यादा दिमाग लगाकर उस ट्रैप से बहुत ही ज्यादा इजिली निकल गए थे और हमने मंगू के कब्जे से कर लिया था एस्केप। फिर हम उसके बाद डायरेक्ट बाबा के पास गए और फिर बाबा हमें वहां पर लेके गए जहां पर उन्होंने चंगू को किडनैप करके रखा है। फिर उसके बाद एलेक्स अपने घर गया, बाबा अपने घर गए और चंगू अभी तक बाबा के कब्जे में था। और उसके बाद मैंने करी एक लाइव स्ट्रीम जिसके अंदर मैंने करी थी एक रेड, लेकिन भाई रेड में मेरे साथ एक बहुत ही गंदा हादसा हुआ, क्योंकि भाई इस बार की रेड को जीतने के लिए मेरे को सीरियसली पापड़ बेलने पड़े थे, बहुत ही ज्यादा मुश्किल थी। और एंड में मैंने देखा था कि मेरे ट्रेडिंग हॉल में से सारे के सारे विलेजर्स चले गए और मैंने सोचा कि यार रेड अगर मैं इतनी मुश्किल से जीत पा रहा हूं तो भाई ये चंगू मंगू इन लोगों को मैं अपने वर्ल्ड से कैसे भगाऊंगा। तो फिर मैंने बहुत ज्यादा दिमाग लगाया और मैंने थोड़े दिन का ब्रेक लिया, जिस ब्रेक में मैंने अपने वर्ल्ड को बहुत ज्यादा अपग्रेड कराया, अपनी पीवीपी स्किल्स बहुत ज्यादा अपग्रेड करी है, अपनी पार्कोर स्किल्स बहुत ज्यादा अपग्रेड करी है और अपना आर्मर बहुत ज्यादा अपग्रेड करा है। ओके, तो भाई हम फाइनली अपनी सुहानी सी दुनिया के अंदर आ चुके हैं। ये सुहानी सी दुनिया तो नहीं है, क्योंकि इस दुनिया के अंदर कुछ लोगों ने बहुत ही गंदे वाला कब्जा कर लिया है। निकालेंगे इनको एक एक करके निकालेंगे। और भाई रेड में मेरे को इतना ज्यादा बड़ा रियलिटी चेक मिला है कि भाई अगर मैं रेड को इतनी ज्यादा मुश्किल से जीत पा रहा हूं तो ये चंगू मंगू राजा और ये वानासुर बर्फासुर अश्वासुर इन सबको मैं कैसे मारूंगा। तो इसलिए मैंने थोड़ा ब्रेक लिया, अपने माइनक्राफ्ट के पीवीपी स्किल्स को इंप्रूव करा, अपने पूरे आर्मर को इतना ज्यादा इंप्रूव करा, भाई सीरियसली मैंने अपना आर्मर फुल्ली इंचेंड करा है, अपने टूल्स बहुत ज्यादा अपग्रेड करा है, सब कुछ मैंने बहुत ज्यादा अपग्रेड करा भाई इस वर्ल्ड के अंदर। इसलिए मैंने एक छोटा सा गैप लिया था जिसके अंदर मैंने माइनक्राफ्ट के बारे में बहुत ही ज्यादा चीजें सीखी है और अपने आप को भी बहुत ज्यादा अपग्रेड करा और अपने वर्ल्ड को भी बहुत ज्यादा अपग्रेड करा है। तो मैं आपको सीधा दिखा देता हूं मैंने क्या क्या चीजें करी है। अब जैसे ही मैं इस घर के बाहर निकलूंगा आपको लेफ्ट साइड में दिखेगी एक बहुत ही ज्यादा तगड़ी चीज। इन 3, 2, 1 भाई सीरियसली बता रहा हूँ, मेरे को इस वर्ल्ड में कुछ बड़ा करना था और मैंने ये छोटा सा कासल बनाया है जो लाइक दिखने में तो बहुत ही ज़्यादा ओपी लग रहा है। सही बता रहा हूँ, ये लावा की वजह से इतना ज़्यादा बढ़िया लग रहा है। और मैंने अपने माइनक्राफ्ट के वर्ल्ड में ये जो छोटा सा घर था ये भी थोड़ा बहुत अपग्रेड कराया, लाइक इसके चारों तरफ एक छोटा सा रास्ता बनाया। लाइक यार ये मेरे को ना अपना घर बहुत ही ज़्यादा अजीब सा लग रहा था, लाइक बहुत ही ज्यादा अजीब सा लग रहा था लैंड पे ऐसी बनाए। तो फिर मैंने यहाँ पर भाई रास्ते में इसके आउटलाइन करिए, इधर रास्ते बनाए इतने तगड़े तगड़े, इन फेंसेस से नीचे जाने का रास्ता बनाया इस विलेजर के अंदर। ओए अबे भाई तुम लोगों को अभी आना था क्या भाई, इधर क्या कर रहे हो भाई तुम लोग, तुम्हारी ऐसी की तैसी, तुम्हारी ऐसी की तैसी। मेरे को अभी रेड करनी नहीं है भाई, मेरे को अभी रेड नहीं करनी है, मेरे को रेड नहीं करनी है, मेरे को ये पोषण देगा भाई, दिमाग खराब कर रहा है भाई। और भाई आप लोगों को जैसा दिख रहा होगा मेरा वर्ल्ड अब पहले जैसा नहीं है, बहुत ज्यादा अपग्रेड कर लिया है मैंने। इस कासल के अंदर का टूर मैं आप लोग को अभी कराऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं अपने वर्ल्ड का टूर करा देता हूँ जो मैंने अपने इधर बाहर अपग्रेड करा है। और भाई इधर मैंने ये भी बनाए हैं, ये एक छोटा सा मैप बनाया भाई, इसको बनाने में इतना ज्यादा मेरा दिमाग खराब हुआ। कंपास बनाओ, पेपर बनाओ, इसको उधर लेके जाओ, उधर लेकर आओ, मैप को भाई बहुत ही ज्यादा दिक्कत से, लेकिन भाई फाइनली मैंने मैप बना दिया है। थोड़ी सी डेकोरेशन तो होनी चाहिए भाई हमारे वर्ल्ड के अंदर, क्योंकि भाई बहुत ही ज्यादा बेसिक चीज कर रखी थी मैंने अपने वर्ल्ड के अंदर। और भाई ये देखो एक चीज और, ये मैंने पीछे अपना जो फार्म था वीट फार्म, इसको मैंने बहुत ही ज्यादा अपग्रेड कर लिया है। अब ये वीट फार्म नहीं रहा है, ये है कैरेट फार्म, वीट फार्म और पोटैटो फार्म, और ये शुगर केन फार्म भी अपग्रेड कर दिया। और वहां पर आपको दिख रहा है, अगर वो आप ध्यान से देख रहे होगे, वो है हमारा वुड फार्म, वो मैंने एक छोटी सी जगह बनाई है, छोटी सी तो नहीं लाइक बहुत ही ज्यादा बड़ी जगह बनाई है। और भाई ये वुड फार्म मैंने इसलिए बनाया था क्योंकि भाई यहाँ पर इतने ज्यादा अपग्रेड करने के लिए मेरे को बहुत ही ज्यादा वुड की जरूरत पड़ रही थी और मैं इधर उधर जा रहा था वुड लेने के लिए। तो मैंने सोचा भाई इतनी दूर क्यों जाना वुड लेने के लिए, जब मैं अपने घर के पिछवाड़े में ही एक वुड फार्म बना सकता हूँ और वहां पर बहुत सारी अलग अलग टाइप की वुड्स मैंने लगा दिया है। और भाई ये रहा हमारा शुगर केन फार्म, ये रहा एक रास्ता भाई। अब लाइक अच्छा लग रहा है इस वर्ल्ड में घूमना भी ना, लाइक अच्छा लग रहा है इस वर्ल्ड में, अब थोड़ा थोड़ा लाइक अच्छा लग रहा है, वाइब आ रही है कि भाई माइनक्राफ्ट वर्ल्ड है किसी का, वरना भाई ये रास्ते वास्ते की बना भाई बहुत ही ज्यादा अजीब सा खाली खाली सा लग रहा था। तो भाई अब हम सीधा चलते हैं अपने कासल के अंदर, मैं आप लोगों को कराता हूं अपने कासल का टूर। और भाई इस कासल को बनाने के लिए तो भाई मेरे को इतना ज्यादा मटेरियल लगा था, मैं आपको दिखाता हूं इस कासल के अंदर का मटेरियल मैंने कहां से लिया। ये देखो यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा सा पहाड़ हुआ करता था, उस पहाड़ को मैंने तोड़ फोड़ के ये स्टोन निकाले हैं और उससे ये कासल बनाया भाई। सीरियसली इस पहाड़ को तोड़ने में मेरी हालत खराब हो गई थी भाई, इतना बड़ा पहाड़ था अगर आप लोगों को याद होगा, उधर मैंने इतनी ज्यादा तोड़ फोड़ इतनी ज्यादा मजदूरी करी है ना भाई, इन दिनों मैंने इतनी ज्यादा मजदूरी और इतना ज्यादा पीवीपी कराया ना भाई, पूछो मत भाई सीरियसली। लेकिन भाई अब मैं मजदूर बन चुका हूं इस वर्ल्ड के अंदर और मेरे को बिल्ड बनाना भी आ गया भाई। पहले मैंने सस्ता सा घर बनाया था लेकिन अब मैंने इतना तगड़ा सा कासल बना दिया और ये
हमारी गद्दी भाई, ये रही हमारी गद्दी, ये रही हमारी गद्दी, इस कासल की गद्दी, एग्नेट के नाम। भाई इस वर्ल्ड में लोगों ने कब्जा कर लिया तो उससे हमें क्या मतलब, वर्ल्ड तो मेरा है ना, इस वर्ल्ड का राजा तो मैं ही हूँ ना, लाइक लोग तो वो दूसरे हैं ना, राजा तो एक्चुअल मैं ही हूँ। तो ये कासल की तो जरूरत थी और ये एक थ्रोन की भी जरूरत थी और ये बाहर का आप लोग को बहुत ज्यादा खाली खाली लग रहा होगा, इसको मैं धीरे धीरे करके अपग्रेड करता रहूंगा, लाइक लाइव स्ट्रीम्स में या जो भी आप कमेंट सेक्शन में बताओगे यहाँ पे डालने के लिए, मैं धीरे धीरे करके अपग्रेड करता रहूंगा। यहाँ पर मैंने एक छोटा सा स्टोरेज रूम बनाया है जिसके अंदर मेरा लाइक ये रहा बिल्डिंग का सामान, जो इस कासल को बनाने में सारा सामान लगाया है वो ये रहा। ये देखो ये वाटर बकेट इधर इतनी सारी इसलिए है क्योंकि भाई मैं नेदर से इतना ज्यादा लावा लेकर आया था यहाँ पर ये रास्ता बनाने के लिए, और आप लोग देख ही सकते हो कि मेरे कासल के बाहर भी लावा टपक रहा है, तो वो वाटर बकेट इसलिए वहां पर इतनी सारी है क्योंकि मेरे को नेदर जाकर बहुत सारी लावा लेकर आना पड़ा था। और यहाँ पर मेरा खाने का है थोड़ा सिस्टम, यहाँ पर भाई बहुत सारी वुड है, यहाँ पर बहुत सारे स्टोन्स भी होंगे, हाँ ये रे कॉबल डीप स्लेट, ये फलाना वलाना सारे डीप स्लेट, भाई माइनक्राफ्ट इतना ज्यादा सीख लिया मैंने। भाई ये देखो ये जो बेकार सा कॉबल डीप स्लेट है ना, नहीं कॉबल, हाँ ये जो बेकार सा कॉबल डीप स्लेट है ना भाई, इस वुड कटर से हम सीरियसली इसको इतना ज्यादा ओपी ओपी चीजें बना सकते हैं भाई, हम सीरियसली इसे चिजल्ड वाला इतना ज्यादा बढ़िया लगता है भाई, ये देखो क्या बढ़िया ब्लॉक लग रहा है भाई ये, सीरियसली लाइक माइनक्राफ्ट भाई, मैं इतना ज्यादा, मेरे को पता नहीं था माइनक्राफ्ट में इतनी ज्यादा चीजें कर सकते हैं, और जैसे जैसे मैंने माइनक्राफ्ट सीखा और इतनी ज्यादा ज्यादा अपग्रेड करता गया भाई मैं इसके अंदर। और इधर ये टोटम ऑफ नैंग तो इधर मेरे को अपने घर से लाने पड़ेंगे, और भाई ये बनाते बनाते इतने 10-15 दिन में मेरे को 2 पोशन और मिले हैं, और ये रहा तीसरा पोशन, लाइक ये रहा तीसरा बैनर, ये तीनों पोशन मेरे को मिले हैं, लाइक ये रेडर मेरे घर के आसपास आते रहते थे और मैं इनको मारता रहता था जिससे मेरे को ये पोशन मिल गया। और इधर मैंने छोटा मोटा हाँ ये सामान रखा हुआ है, लाइक थोड़ा लगना चाहिए यार कासल वाली फील आनी चाहिए, ये रहा आयरन गोलम फार्म से मैंने ये उठाया है, और यहाँ पे कुछ नहीं है अभी, अच्छा ये खाली है, ओके ये नेदर का सामान होगा भाई, नेदर भी मैंने बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर करा है, नेदर तो बहुत ही ज़्यादा एक्सप्लोर करा है, नेदर में जाके मैं 3-4 बार मर रखा हूँ भाई सीरियसली। भाई अगर मैं आपको बताऊं कि ये सारी चीजें मैंने ऑफलाइन इसलिए करी है क्योंकि ऑनलाइन करने का कुछ मतलब है नहीं, मैं आप लोगों को क्या ये बनाते हुए दिखाऊं, ये बनाते हुए देखो आप लोग क्या क्या फन क्या उसके अंदर। भाई अब फन तो होगा इन चंगू मंगू राजा को मारने में, इनकी सिट्टी बिट्टी गुल करने में, जब मैं दिखाऊंगा ना लोग अपना कासल भाई इनकी हालत खराब हो जाएगी। और हम चलते हैं अपने कासल के एक और सेक्शन में जिसका नाम है ट्रेडिंग हॉल। अगर आप लोग को याद होगा लाइव स्ट्रीम में मैं बहुत ही गंदे तरीके से पिटा था रेड वालों से और उन्होंने मेरे सारे के सारे विलेजर्स को मार दिया था। ओए वे फैंटम भाई देखो सोया भी नहीं हूँ भाई, मैं इधर सोया भी नहीं हूँ भाई सीरियसली, और ये फैंटम मेरे पीछे आ चुकी है, अब स्किप है तुम इधर, ओए आयरन गोलम मार भाई इनको चुपचाप से, मैं लोगों को टूर कर रहा हूँ अपने कासल का। ओके तो भाई मैंने यहाँ पर अपना ट्रेडिंग हॉल बनाया एक बढ़िया सा, जहाँ पर मेरे पास बहुत सारे एमरल्ड है, अबे इतने से एमरल्ड है, ओके नहीं ये रहे बहुत सारे, अबे यार अबे अच्छे से टूर भी नहीं कराने दे रहे तुम्हारी ऐसे की तैसी। ब्रो मैं काम करता हूँ सो जाता हूँ, एक काम करता हूँ भाई मैं सो जाता हूँ, यहाँ पर इनसे पंगे लेने में कोई भी फन नहीं है, एक काम करता हूँ मैं अपने ट्रेडिंग हॉल के अंदर ही सो जाता हूँ भाई, सो जाओ दिन करा दो कोई बात नहीं। ओके तो भाई ये फैंटम अब अपने आप मर जाएगी, मैं आप लोगों को सीधा दिखाता हूँ भाई, यहाँ पर मैंने बहुत सारे अलग अलग टाइप के तो नहीं बस 3 टाइप के विलेजर्स लगे हैं, जिसके अंदर है पहला फार्मर जिससे मैं कैरेट ट्रेड करूंगा, मैंने वहाँ पर कैरेट फार्म इसलिए बढ़ाया है क्योंकि कैरेट ट्रेड करने में बहुत ज़्यादा फायदा है, क्योंकि एक कैरेट से हमें 2-3 कैरेट मिलती है और एक सीड से हमें एक ही वीट मिलती है, तो मैंने कैरेट फार्म को बढ़ा दिया। और यहाँ पर मैंने विलेजर्स लगाए हैं लाइक पेपर ट्रेडिंग के लिए, और यहाँ पर मैंने ये लगाया है क्या बोलते हैं इनको, कुछ तो बोलते हैं, इनको बोलते हैं फ्लेचर, जिनसे मैं स्टिक्स ट्रेड करूंगा क्योंकि मेरे पास एक वुड फार्म भी है और वहाँ से मेरे को स्टिक्स ईजिली मिल जाएगी, तो इनसे ट्रेड कर मैं यहाँ पर अपने एमरल फुल कर दूंगा। और अब आप लोग सोच रहे होगे कि भाई यहाँ पर ये छोटे मोटे से ट्रेडर है, ये वाले ट्रेडर का है जिससे मैंने ये सारी बुक्स ली है, दिखाता हूँ टेंशन के ले रहे हो, यहाँ पर एक और फ्लोर है जिसके अंदर मैंने बनाया है ये तगड़ा सा ट्रेडिंग हॉल, और यहाँ पर सारे ओपी ओपी विलेजर्स हैं जो मेरे को दे रहे हैं एफिशिएंसी 5 19 एमरल में, शार्पनेस 5 19 एमरल में, प्रोटेक्शन 4 20 एमरल में, मेंडिंग 16 एमरल में। भाई इतने ज्यादा ओपी ओपी विलेजर्स मैंने यहाँ पर लगा रखे हैं सस्ते, बस सीरियसली हर चीज के विलेजर है यहाँ पर, एक एक चीज का विलेजर है, इस वजह से मैं अपना पूरा आर्मर अपग्रेड कर पाया हूँ क्योंकि यहाँ पर हर चीज का विलेजर है, और भाई इनसे ट्रेडिंग करने में मेरी एक्सपी बढ़ जाती है। भाई अब मेरे को सीरियसली मजा आ रहा है भाई माइनक्राफ्ट खेलने में, क्योंकि अब मेरे पास इतनी सारी चीजें हैं भाई माइनक्राफ्ट में, पहले भाई मेरे को हर लाइव स्ट्रीम में मैं अपना ट्रेडिंग हॉल ठीक कर रहा था, हर लाइव स्ट्रीम में मैं अपने विलेजर्स बना रहा था, लेकिन अब नहीं जरूरत भाई बनाने की क्योंकि मैंने अपने विलेजर्स इतने ज्यादा तगड़े ऑलरेडी बना रखे हैं। भाई स्वीपिंग एज 3 भाई 38 एमरल में, भाई ये तो लूट रहा है, इसको मार दूं क्या, लेकिन छोड़ भाई अब मैं विलेजर्स को मारता नहीं हूँ, लाइव स्ट्रीम में मैंने मार के बहुत बड़ी गलती करी थी, अपने विलेजर्स को कभी भी मारना नहीं चाहिए, इनको जिंदा रखना चाहिए क्योंकि अनब्रेकिंग दे रहे हैं 34 एमरल में, ये भी महंगा दे रहे हैं, ये पार 5 कितने में दे रहे हैं भाई,
29 तो ठीक है यार, पावर 5 के लिए 29 ठीक है। ये रही मेरी सारी बुक्स वुक जो मैंने ऐसे ले लेके इधर उधर कर रखी है। और भाई आप लोग को ये पेंटिंग दिख रही है, ये कोई नॉर्मल पेंटिंग्स नहीं है। ये आपको क्या दिख रहा है, ये मोनालिसा तो नहीं है, ये पिग, ये पेंटिंग बना रहा है कोई पिग की। इसको इग्नोर करते हैं, ये क्या, इसको भी इग्नोर करते हैं। इस पे गौर करना है हमें, इस स्कल वाली पे गौर करना है हमें। इसकी आंख दिख रही है आपको, आंख, इसकी आंख दिख रही है। इसकी आंख के अगर हम अंदर जाएंगे तो हम एक सीक्रेट बेस के अंदर आ जाएंगे। और ये सीक्रेट बेस कोई ऐरा गैरा सीक्रेट बेस नहीं है, यहाँ पर है बहुत सारे तगड़े आयरन और गोल्ड के आर्मर, और चेस्ट के अंदर है इतने तगड़े एमरल्ड और गोल्ड और आयरन। भाई बढ़िया सीक्रेट बेस है ना, लेकिन क्योंकि ये अंडरग्राउंड बेस है ना, तो इसकी डेकोरेशन मैंने लीवर से कर दी है। और भाई क्या बढ़िया बेस है ना, बढ़िया बेस नहीं है भाई, गोल्ड है भाई, एक्स है भाई, क्या बढ़िया बढ़िया चीज है भाई, पावर 5 की एन्चेंटेड बुक है भाई, और इतने तगड़े तगड़े आर्मर है। क्या हुआ, अच्छा नहीं लग रहा बेस यार, मेरे को तो बढ़िया लग रहा है, बढ़िया नहीं लग रहा क्या? इसमें कुछ अपग्रेड होनी चाहिए, अपग्रेड करूँ क्या, करूँ अपग्रेड, करूँ करूँ क्या अपग्रेड, 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 बताओ अपग्रेड करना है क्या? भाई ये तो बस दिखावे वाला सीक्रेट बेस है भाई, ये तो दिखावे वाला सीक्रेट बेस है, असली सीक्रेट बेस है ये। यहाँ पर लाइक मेरे को अभी चीजें लगानी है, इन तीनों में मेरे को नेदरराइट का आर्मर भरना है, और ये चेस भाई ओपी ओपी चीजों से भरनी है मेरे को। ये बेस मैंने अभी लाइक ये मतलब सजा दिया, मैंने अच्छे से सजा दिया है, बस यहाँ पर मैंने चीजें नहीं लगाई है महंगी महंगी, क्योंकि अभी मेरे पास इतना महंगा कुछ है ही नहीं भाई। ये आर्मर भी मेरे को एलेक्स ने दिया था, ये आर्मर सीरियसली मेरे को एलेक्स ने दिया था, बस अपग्रेड मैंने इसको खुद करा है, सारी इसकी एन्चेंटमेंट मैंने हटा दी थी, तो फिर मैंने इसको स्टार्टिंग से फुल्ली अपग्रेड करा है। ये आर्मर एलेक्स की देना, और ये शायद से एक आध टूल भी, हाँ ये दोनों टूल एलेक्स की देना है भाई। लाएंगे अपना भी लेकर आएंगे भाई, धीरे धीरे अपना बेस भी अपग्रेड करेंगे। यहाँ पे सीरियसली भाई मैं इतनी ज्यादा ओपी ओपी और सीक्रेट चीजें रखने वाला हूँ, किसी को पता नहीं चलेगा इस बेस के बारे में, क्योंकि भाई लोग अगर गलती से वो पेंटिंग को टकरा के गलती से होता है ना, पेंटिंग में स्लाइड करके आ भी गए इसके अंदर, तो लोगों को लगेगा भाई ये तो बेकार सा सीक्रेट बेस है, यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है, और लोग वापस से ऊपर चले जाएंगे। लोग क्या, वो इस वर्ल्ड में जिन्होंने कब्जा कर रखा है चंगू मंगू, लेकिन उनमें इतना कहाँ दिमाग है कि इस लीवर को वो खींचे और यहाँ पे एक बढ़िया सा सीक्रेट बेस निकले। भाई इतना दिमाग तो नहीं है उन चंगू मंगू पंगू में, तो भाई सीधा चलते हैं। और भाई यही थी छोटी मोटी अपग्रेड। और भाई मैं आप लोगों को बता देता हूं, आप लोग सोच रहे होगे, हाँ एक चीज आप लोग सोच रहे होगे कि भाई इस बेस को बनाने के लिए ये वाले स्टोन कहां से आए मेरे पास, ये वाले ब्लॉक्स कहां से आए मेरे पास। भाई मैं आप लोगों को बता दूं, मैंने इस वर्ल्ड में बस ओवरवर्ल्ड में अपग्रेड नहीं करा है, ओवरवर्ल्ड को एक्सप्लोर नहीं करा है, इस वर्ल्ड में मैंने नेदर वर्ल्ड को भी बहुत ज्यादा एक्सप्लोर करा है, क्योंकि भाई मेरे नेदर वर्ल्ड बहुत ही ज्यादा डेड था, वो फोर्ट्रेस इतना डेड है वहां पर कोई आता ही नहीं है, तो इसलिए मैंने अपना नेदर वर्ल्ड भी बहुत ज्यादा एक्सप्लोर करा है। और मेरे को मिली है सीरियसली वहां पर दो दो बैस्टन और एक दो और नेदर फोर्ट्रेस, वहां पर अभी जाएंगे हम नेदर के अंदर जाएंगे। लेकिन उससे पहले अब हम बाबा के पास चलते हैं और बाबा को बोलते हैं, बाबा अब चंगू को हमारे कब्जे कर दो, आपने अपने हवाले बहुत टाइम तक रखा था, अब हमें चंगू को हमारे हवाले कर दो। और इतने टाइम से मैंने चंगू को वापस अपने बेस के नीचे नहीं लेकर आया, क्योंकि भाई मेरे को यहाँ पे अपग्रेड करना था, मेरे को कोई भी डिस्ट्रैक्शन नहीं चाहिए थी, तो मैंने बाबा के पास ही रखा हुआ है, क्योंकि मंगू बार बार आके मेरे को परेशान कर रहा था, मेरा घर की तलाशी ले रहा था कि भाई कहाँ है मेरा भाई, इधर ही होगा उधर ही होगा, तो भाई मैंने उसको भी बाबा के पास ही रखा, बाबा आप अपने पास रखो। लेकिन भाई अब वक्त आ चुका है, मैं पूरा तैयार हूँ, कोई भी बाधा आए मेरे ऊपर, चाहे 3 रेड आए 4 रेड आए 5 रेड आए, मैं पूरा तैयार हूँ, क्योंकि मैं बन चुका हूँ माइनक्राफ्ट में प्रो, इतना तगड़ा मैंने कासल बना लिया भाई। और एक और चीज बने भाई, एक चीज तो दिखाना मैं भूल गया, एक चीज और दिखा देता हूँ मैं आप लोग को, ये देखो ये देखो ये देखो, ये हमने छोटा सा एक ब्रूइंग स्टेशन बनाया जहाँ पर हम पोशन बनाएंगे। लाइक यहाँ पर अभी तो कोई पोशन बनाया नहीं है, मैंने आगे जाके बहुत सारे पोशन बनाने वाले हैं, लाइक बना लिए। ये नेदर पोर्टल कहीं भी नहीं जाती, ये बस डेकोरेशन के लिए, यहाँ पर इसको देखना मत, इसको अनदेखा कर देना। और भाई ये आप लोग सोच रहे होगे, ये जो कासल है इसको बनाने के लिए मेरे पास स्टोन कहाँ से आया? भाई बहुत ज़्यादा स्टोन लगा होगा, फार्म की जरूरत है, स्टोन के फार्म की जरूरत है, यहाँ पर तो इतना बड़ा कासल बनाने के लिए हमें स्टोन की फार्म की जरूरत है। देखो मैं आप लोग को सीधा वहां पर लेके चलता हूँ, ये स्टोन मेरे पास कहाँ से आया मैं आप लोग को सीधा दिखाता हूँ। अगर आप लोग को याद होगा, मेरे घर के नीचे एक बेस है और उसके नीचे एक माइनिंग की जगह है, अगर हम उसके नीचे जाएंगे यहाँ पर, ठीक है हम यहाँ पर आ गए, यहाँ पर ये वाले स्टोन जो मैंने कासल में यूज करे हैं। अब आप लोग सोच रहे होगे भाई यहाँ पर तो स्टोन माइनिंग करे, स्टोन कहाँ है, माइनिंग तो करी नहीं है मैंने, यहाँ पर कहाँ करी है माइनिंग, नहीं करी। ये गलत सोच रहे हो आप, क्योंकि अगर हम इन दोनों चेस के बीच में जाएंगे सीधा, जाते जाओ, भाई खाना खाओ भाई, खाने की जरूरत है। अगर हम इधर जाते जाएंगे और भाई ये लो, ये है एक केव जिसको मैंने माइन कर करके
एक भाई माइनिंग स्टेशन ही बना दिया भाई इसको, सीरियसली मैंने एक छोटा सा माइनिंग स्टेशन ही बना दिया है, जैसे मूवीज में होता है ना गड्ढे खोदते हैं जो पूरा, वैसा एक स्टेशन बना दिया। और आप लोग देख सकते हो भाई इतने ज्यादा डायमंड और रेडस्टोन है भाई इधर, इतने ज्यादा डायमंड और रेडस्टोन है भाई इधर। सीरियसली भाई यहाँ से मिले भाई मेरे को ये कोबाल्ट डीप स्लेट, यहाँ से मिले मेरे को। और भाई इस चीज में मेरा एक इतना बड़ा फायदा हुआ है यहाँ पर माइनिंग करने से, इतने ज्यादा डायमंड आ गए भाई, इतने सारे डायमंड। लेट्स सी भाई कितने डायमंड है ये यहाँ पर। ओए ओए इधर छत पे भी है डायमंड, ये तो मैंने नोटिस ही नहीं करा। ओके भाई बहुत सारे डायमंड है, एक काम करते हैं इन सबको माइन करते हैं और देखते हैं कि हमारे पास कितने डायमंड है। ओके एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह उन्नीस बीस इक्कीस बाईस तेईस ट्वेंटी फोर ट्वेंटी फाइव ट्वेंटी सिक्स ट्वेंटी सेवन ट्वेंटी एट ट्वेंटी नाइन थर्टी थर्टी वन थर्टी टू थर्टी थ्री ब्रो क्रीपर तेरी ऐसी की थैसी। थर्टी थ्री हो गया ना, थर्टी थ्री थर्टी थ्री हो गया ना, थर्टी थ्री। लेट्स सी। ओए नहीं इधर है एक डायमंड। ओह भाई मेरी नजर पड़ी भाई इधर, छोटी सी नजर पड़ी भाई, इसको माइन कैसे करूं भाई। लेकिन हाँ ये रहा जगह, ये रही जगह माइन कर लेते हैं। थर्टी थ्री थर्टी फोर थर्टी फाइव थर्टी एट हो गए, थर्टी एट हो गए अभी ये। हाँ थर्टी एट डायमंड्स मैंने माइन करे, यहाँ से बाहर कैसे निकलूए। 38 डायमंड्स मैंने माइन करे, लेट्स सी मेरे पास कितने ज्यादा डायमंड्स आए हैं। वन टू थ्री, भाई मैंने तो बस 38 डायमंड माइन करे थे, ये 38 के 85 कैसे हो गए भाई। 38 के 85 डायमंड हो गए हैं। और अगर हम इन डायमंड का डायमंड ब्लॉक बनाए तो अगर ये कितने होंगे भाई, इन डायमंड का एक काम करते हैं डायमंड ब्लॉक बनाते हैं भाई, इन सबका डायमंड ब्लॉक भाई, डायमंड ब्लॉक। ओके भाई इतने नहीं भाई, और बना लो भाई। भाई नौ डायमंड ब्लॉक भाई लेट्स गो भाई। इतने तगड़े डायमंड्स आ चुके हैं हमारे पास, अब हम सीधा चलते हैं भाई इन डायमंड्स की खुशी के साथ, सीधा चलते हैं भाई बाबा के पास और बाबा को बोलते हैं भाई चंगू को अब हमारे हवाले कर दो भाई। मेरे को चंगू की याद आ रही थी इतने टाइम से, तो मैं अब बोल देता हूँ बाबा चंगू को यार वापस कर दे यार, बहुत टाइम हो गया तुम्हें, कब तक अपने पास रखोगे चंगू को, थोड़े मजे मेरे को भी लेने दो चंगू से, अब खुद ही सारे मजे लोगे चंगू से। ओके तो भाई फाइनली हम आ चुके हैं बाबा अपने तांत्रिक के घर पर, अब इनको बोलते हैं तांत्रिक बाबा अब हमें चंगू वापस कर दो, इतनी रखवाली बहुत है, अब जल्दी से हमें चंगू वापस कर दो, हमें उससे बर्फासुर की लोकेशन निकलवानी है क्योंकि उसने अब तक हमें बर्फासुर की लोकेशन नहीं दी, और जहां तक मेरे को लग रहा है इस बार तो वो दे देगा, इस बार उसको तड़पाऊंगा इस बार, और वो बर्फासुर की लोकेशन हमें दे देगा, पक्का से दे देगा। हेलो बाबा, हेलो तांत्रिक बाबा, हेलो कौन है, हेलो बाबा, हेलो तांत्रिक बाबा। अरे बाबा मैंने आपको बोला था ना चंगू को अभी मेरे हवाले मत करना। हाँ वो तो बहुत टाइम से मेरे कब्जे में है। हाँ तो वो अब टाइम आ चुका है जब आप मेरे को चंगू को मेरे हवाले कर दोगे, तो जल्दी से चंगू को वहीं पे डाल दो जहाँ पर पहले था वो। मैं उसको वहाँ पर डाल तो दूँ लेकिन ये इतना आसान नहीं है। इतना ज्यादा आसान नहीं है क्यों, पहले तो आपने कर दिया था। हाँ ये मैंने पहले कर तो दिया था लेकिन ये बहुत ज्यादा मुश्किल से हुआ था। बहुत ही ज्यादा मुश्किल से आया था वो इस जगह पर, आप तो तांत्रिक बाबा हो ना, आप तो कुछ भी कर सकते हो। हाँ चंगू मंगू की मर्जी के बिना उन्हें इधर उधर करना बहुत मुश्किल होता है। उनकी मर्जी के बिना हम उनको इधर उधर नहीं कर सकते, लेकिन बाबा उसकी मर्जी के बिना वो हमारे जेल में भी तो है, हमारे ट्रैप में भी तो है। वो अपनी मर्जी से उस ट्रैप में है। वो उसकी मर्जी से था क्यों? हाँ वो डायमंड के लालच के चक्कर में उस ट्रैप के अंदर फंसे हैं। अच्छा हाँ वो डायमंड के लालच में तो अपनी मर्जी से आया था ना मेरे साथ, इस वजह से वो इजीली ट्रैप हो गया, और अब उसको उसकी मर्जी से इधर उधर करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। तो लेकिन बाबा करना तो पड़ेगा ना, उसको वहाँ पर थोड़ी रखेंगे उसको, उसे वापस वहाँ पे रखने के लिए एक रिचुअल करना होगा। अच्छा रिचुअल करना पड़ेगा, अरे बाबा कितने रिचुअल कितने करते हो आप, कितने रिचुअल करोगे, तो चलो रिचुअल करने के लिए। उसके लिए मेरे को कुछ सामान चाहिए। सामान चाहिए, क्या सामान चाहिए? एक एंशिएंट डेब्रिस। एंशिएंट डेब्रिस, अरे बाबा ये आपको दिख रहा है ना मेरा नेदरराइट का आर्मर बाबा, ये उधारी का है, उधारी का, ये एलेक्स से मैंने उधार लिया बाबा, ये मेरा नहीं है, मैं कहां से लेकर आऊं एंशिएंट डेब्रिस? नेदर में जाओ मिल जाएगा, नेदर में जाओ मिल जाएगा। ओए अबे हाँ मैंने नेदर में बैस्टन देखिए, बैस्टन में शायद से एंशिएंट डेब्रिस मिल सकता है, लाइक मैंने बैस्टन मिली है मेरे को मेरे नेदर में, तो एंशिएंट डेब्रिस मिल सकता है, और मैंने वो दोनों के दोनों बैस्टन अब तक लूटे भी नहीं है, तो काम करता हूँ नेदर में जाता हूँ वो बैस्टन भी लूट लूंगा और एंशिएंट डेब्रिस मिल जाएगा, उससे बाबा का काम भी हो जाएगा और हम बैस्टन भी लूट लेंगे। ओके तो बाबा एक काम करता हूँ, मैं मिल गया मेरे को जुगाड़ मिल गया बाबा। अरे बाबा टेंशन मत लो यार, आपको किसी भी चीज की जरूरत पड़ती है इस वर्ल्ड के अंदर तो है एग्नेट भाई इधर है, सारे जुगाड़ कर देते हैं। तो मैं काम करता हूँ, आपको एंशिएंट डेब्रिस की जरूरत है तो मैं लेकर आता हूँ, ठीक है? जल्दी जाकर लेकर आ। ठीक है मैं जाता हूँ, है ना, थैंक यू बाबा, जल्दी से अब एलेक्स को मेरे। बाबा ये बाबा ने किसी को मारा ना बाबा, मारा पीटी मत करे करो यार इधर।
इधर ना मारा पीटी करना अच्छा नहीं होता। मेरे को, अरे बाबा सॉरी जा रहा हूँ। अरे बाबा मैं तो थोड़ा मजाक कर रहा था बाबा, ऐसे मजाक तो चलता रहता है ना। ओके तो भाई सीधा चलते हैं हम नेदर के अंदर। मैं आप लोगों को दिखा भी दूंगा कि मैंने क्या क्या एक्सप्लोर करा है नेदर के अंदर, और बाबा का काम भी हो जाएगा। बैस्टन के अंदर से हम वो ले आएंगे एंशिएंट डेब्रिस और बैस्टन भी लूट लेंगे, और दिखाता हूं मैं नेदर में मैंने क्या क्या रास्ते बना दिए हैं। लेट्स गो। ओके तो भाई सीधा चलते हैं अब इस नेदर पोर्टल के अंदर। एक मिनट, सारी तैयारी है ना? अरे यार मेरे को तैयारी की जरूरत नहीं है, आई डोंट नीड एनी तैयारी। लेकिन खाने की जरूरत है, खाना तो है ना मेरे पास, मेरे को खाने की जरूरत है। एक मिनट, अबे नहीं डायमंड रख कर आओ भाई। ना, खाना लेकर आओ और डायमंड रख कर आओ। ना, ऐसे कैसे। मैं सीधा चलता हूँ अपने कासल के अंदर, जल्दी से डायमंड रख देता हूँ और खाना लेकर आता हूँ। ओके लेट्स गो। ये डायमंड को मैं जल्दी से, इन डायमंड को मैं इधर रख देता हूँ। ओके खाना भी हो गया है हमारा नेदर के अंदर जाने से पहले, और हमने डायमंड को भी छुपा दिया है, लाइक सेफ जगह पे रख दिया है। अब सीधा चलते हैं नेदर के अंदर बैस्टन लूटने के लिए। ओके लेट्स गो। तो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, ये रहा हमारा नेदर वर्ल्ड। अगर हम यहाँ पे लेफ्ट देखेंगे तो वहां पर हमें एक रास्ता दिखेगा जो है बैस्टन का और नेदर फोर्ट्रेस का। भाई सीरियसली इतना ज्यादा मेरे को घूमना पड़ा था ना, लाइक मैंने ये जगह एक्सप्लोर नहीं करी थी, तो मैं नीचे जाके एक्सप्लोर करने लग गया था और मेरे को एक नेदर फोर्ट्रेस मिल गई थी बहुत ज्यादा दूर, और एक बैस्टन भी मिल गई थी। लेकिन ये वाली बैस्टन हम अभी एक्सप्लोर नहीं करेंगे। यहां से मैंने इतना ज्यादा कुछ लिया नहीं था, ब्लैक स्टोन मैंने लिया था दूसरी वाली बैस्टन से। मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ कहाँ पर है वाली बैस्टन। ओके तो सीधा चलते हैं यहाँ पर। और भाई मेरे को सोल स्पीड भी चाहिए यार, सोल स्पीड 3 लाइक बुक वहां पर बैस्टन में मिलती है ना। मैंने ओए अबे भाई तू इधर क्या कर रहा है विलेजर भाई, ये नेदर है भाई, ये नर्क है, ये नर्क विलेजर, हेलो विलेजर, नर्क है ये, नर्क। अच्छा इसने अपने पुराने जन्म में कुछ पाप किए होंगे इस वजह से इसको नर्क में एंट्री दे दी गई है, तो इसको हम इग्नोर कर देते हैं। गंदा आदमी होगा ये, इसलिए नर्क में है। वैसे नर्क में तो हम भी हैं अभी। चलो भाई सीधा हम चलते हैं बैस्टन के पास, ज़्यादा फालतू की बात नहीं करनी हमें। ओके तो सीधा भाई मैंने यहाँ पर एक रास्ता बनाया है छोटा मोटा सा इधर से नीचे जाने का। तो ये रहा एक छोटा मोटा सा नीचे जाने का रास्ता, ये रही हमारी पुरानी वाली नेदर फोर्ट्रेस। और अगर हम इधर से इधर जाएंगे, लाइक मेरे को सीरियसली बहुत ज्यादा इधर उधर घूमना पड़ा था, और मेरे को एक बैस्टन इतनी मुश्किल से मिली थी, और फिर उसका पाथ बनाने के लिए तो भाई इतनी ज्यादा मेरे को कष्ट सहने पड़े थे भाई। मेरे को इतने ज्यादा फायर रेजिस्टेंस के पोर्शन रखने पड़े थे, क्योंकि मैं 3-4 बार भाई इस लावा के अंदर जाके मर गया था। ये जो रास्ता भी आप लोगों को दिखाऊंगा ना भाई, इतनी बार मैं इस लावा के अंदर जाके मरा हूं, लेकिन फिर मैंने फायर रेजिस्टेंस के पोर्शन बना लिए थे, उसके बाद मैं बच गया था। ओके तो यहां से मैं रास्ता मैंने बना रखा है, यहां से हम सीधा सीधा जाएंगे, और यहां से ये कोबल स्टोन हमें फॉलो करना है, और सावधानी से चलना है भाई हमें, क्योंकि ये नेदर है, ये नर्क है, यहां पर हमें गलती नहीं करनी है कुछ भी, क्योंकि एक गलती हमारे पूरे वर्ल्ड की प्रोग्रेस पे भारी पड़ सकती है। मैं फायर रेजिस्टेंस का पोर्शन मिलना है अभी, तो मेरे को बहुत ज्यादा सेफली रहना पड़ेगा इधर। तो सीधा चलते हैं भाई बैस्टन के करीब। भाई ये देखो कहीं कोबल स्टोन है, कहीं कोबल डीप स्लेट है, ऐसे ही करके रास्ता बन गया। और भाई ये नेदर की ये वाली बायोम बहुत ज्यादा तगड़ी है भाई, इसके अंदर ये वाला पेड़ होता है ना भाई, ये वाला पेड़ इतना ज्यादा कलरफुल, इतना ज्यादा प्यारा लगता है। सीरियसली इसको मारते हैं गोली। अब सीधा चलते हैं अपनी बैस्टन के पास। ओके भाई मैंने सोचा नहीं था भाई मैं इतना ज्यादा अपग्रेड कर लूंगा नेदर के अंदर, क्योंकि भाई ये नेदर में जाने में इतना ज्यादा डरता हूं, क्योंकि इतनी ज्यादा बार मरता हूं भाई नेदर में जाने में मैं। और ये रही हमारी बैस्टन भाई, वो रहा हमारा वहां पर, ये हमारा स्पॉन नेदर का स्पॉन नेदर पोर्टल, और इतनी बगल में ये भाई बैस्टन इतनी ज्यादा पास है ना भाई। सीरियसली यहां से मैंने लाइक ब्लैक स्टोन तोड़े इतने सारे, और मेरे को लग रहा है ये मेरे को मारेंगे, क्योंकि पिछली बार तो मैं गोल्ड का आर्मर पहनकर आया था, तो इतनी ज्यादा दिक्कत नहीं हुई थी मेरे को, लेकिन अब मेरे को लग रहा है मेरे को मारेंगे, लेकिन मैं इनसे नहीं डरता हूं। और ओए गोल्ड का ब्लॉक, लेट्स गो। एक काम करता हूं, गोल्ड का ब्लॉक चोरी करूंगा तो ये मेरे को मारेंगे, तो एक काम करता हूं मैं गोल्ड का ब्लॉक चोरी नहीं करता हूं, तो सीधा ऊपर चलते हैं। ओए इसकी वे इसकी तेरी, अबे तुम बच्चों मेरे को तुम मारोगे मेरे को, तुम मेरी पावर 5 की वो पड़ेगी ना, तो मैं तुम्हारी ऐसी तैसी हो जाएगी। रुको इन सबको ना यहाँ पे पेल के खत्म कर देता हूँ। इधर आ भाई छोड़ो, ऊपर जाके बताता हूँ इसको इसकी ऐसी की तैसी, इनका सारा गोल्ड अपन चुराने वाला है। ओए ओ नो रुक जाओ आराम से ये गोल्ड चुरा लेता हूँ यहाँ से, ये गोल्ड में ऐसा चुरा लेता हूँ। मेरे को लावा के अंदर नहीं गिरना, कैसे भी करके मेरे को लावा के अंदर नहीं गिरना। अबे ओए भाई इनकी डैमेज तो बहुत ज्यादा है, डैमेज तो बहुत ज्यादा है इनकी। मेरे आर्मर में प्रोटेक्शन 3 नहीं है क्या? प्रोटेक्शन 4 है तो मेरी आर्मर में, इतनी ज्यादा डैमेज क्यों लग रही है भाई मेरे को फिर इनकी। भाई मैं ऊपर जा रहा हूँ मेरे को, क्योंकि ऐसा लग रहा है मैं भाई इधर लावा के अंदर गिर सकता हूँ बहुत ही ज्यादा जल्दी। तो काम करते हैं भाई, चुपचाप से ऊपर चलते हैं और इनकी चेस्ट लूटते हैं। भाई इनकी चेस्ट में मैंने सुना है एंशिएंट डेब्रिस होता है, तो सीधा चलते हैं इनके पास और इनसे लूटते हैं। यहाँ पर एक गोल्ड ब्लॉक था ना, ये गोल्ड ब्लॉक निकाल लेते हैं यहाँ से। ओके अब ये गोल्ड ब्लॉक हुआ मेरा,
छोड़ो भाई छोड़ो, इस गोल्ड ब्लॉक के लालच में मैं मरना प्रेफर नहीं करूंगा भाई। मेरे को ना यहाँ पे किसी चीज का डर नहीं है, इनका मेरे को बिल्कुल डर नहीं है। मेरे को डर है अगर मैं लावा के अंदर गिराना तो दिक्कत हो जाएगी, मेरे को वो नहीं करना, मेरे को लावा के अंदर बिल्कुल नहीं गिरना। तो मैं काम करता हूँ बहुत ही ज्यादा सेफली, मैं इधर काम करता हूँ बहुत ही ज्यादा सेफली, हम रहेंगे इधर। उए, उए, चेस्ट, इतने सारे पिगलिंग है उधर, इन सबको मारो, चेस्ट है इतनी सारी। उए, आ, अबे भाई भागो बैस की, तुम भागो। अबे इनकी ऐसे की तैसी, इनकी ऐसे की तैसी, मेरा टोटम ऑफ अनहिंग यूज हो गया भाई। अबे भाई पिगलिंग इतनी ज्यादा डैमेज करते हैं, ये मेरे को नहीं पता था भाई, ये पिगलिन इतनी ज्यादा डैमेज करते हैं ब्रो, व्हाट भाई। मेरे को शील्ड लेके आनी चाहिए थी यार, मेरे पास शील्ड है क्या, मैं शील्ड बना लेता हूँ, एक काम करता हूँ। हाँ शील्ड बनाने का सामान है मेरे पास, तो एक काम करता हूँ जल्दी से यहाँ पर शील्ड बना लेता हूँ। भाई साहब इन पिगलिंग ने तो मेरी ऐसे तैसे कर दी भाई, भाई मेरे को और ज्यादा ओपी करना पड़ेगा भाई अपने आर्मर को। अब मैं दूर से इनको मारने की ट्राई करूंगा कि भाई इनको दूर से ही बच बच के मार दूं, छुप के मार देते हैं इनको। वो देखो एक दो ही बचे हैं अभी इधर यार इनको। अबे मेरे वेपन तो बहुत ज्यादा ओपी है यार, मेरे वेपन से तुरंत मर जाएंगे। और ये रही भाई चेस्ट, लेट्स सी, मैंने सुना है इन चेस्टों में बहुत ही ज्यादा तगड़ी तगड़ी चीजें मिलती है, व्हाट ब्रो। ये रहा एंशिएंट डेब्रिस, लेट्स गो। ये क्या है, ग्लाइडेड ब्लैकस्टोन, व्हाट, मैग्मा ब्लॉक, गोल्डन बूट्स, ये सब उठाओ, गोल्ड ब्लॉक उठाओ। इतना ज्यादा और ओपी तो सामान है नहीं इधर, ये रखो ये रखो ये रखो ये रखो, ये भी इधर रख दो, ये भी इधर रख दो, और तगड़ा तगड़ा सामान उठाओ भाई इधर से, तगड़ा तगड़ा फ्लिंट एंड स्टील उठा लो, और ये खाना उठाओ, मैग्मा क्रीम उठाओ भाई। क्या चेस्ट है भाई, क्या चेस्ट है भाई, कोई आना मत भाई मेरे को मारने के लिए भाई। भाई स्पेक्ट्रल एरो, लेट्स गो भाई स्पेक्ट्रल एरो, ये सब तो नहीं चाहिए मेरे को। ओके इसके अंदर कुछ बढ़िया सा, ओ ये क्या, स्मिथिंग टेम्पलेट, इससे क्या होता है, स्पेक्ट्रल एरोज ले लेते हैं बहुत सारी, ये भी ले लेते हैं भाई, इतना ज्यादा तगड़ा ब्लॉक है भाई ये। ओके भाई सारा सामान में, एक और एंशिएंट डेब्रिस, लेट्स गो, मेंडिंग वाली गोल्डन एक्स, लेट्स गो। एक इधर ये भी है, ये भी ले लेते हैं भाई, ये भी ले लो, ये भी ले लो, और इसके अंदर कुछ बढ़िया दे दो प्लीज। सोल स्पीड 3, लेट्स गो लेट्स गो लेट्स गो, आई नीडेड अ सोल स्पीड 3, आई रियली नीडेड अ सोल स्पीड 3 अपने बूट्स पे लगाने के लिए, और मेरे को फाइनली सोल स्पीड 3 भी मिल चुकी है भाई, लेट्स गो भाई। तो एक काम करते हैं, मैंने चेस्ट लूट ली है और एंशिएंट डेब्रिस मेरे को मिल गया है, तो मैं एक काम करता हूँ सीधा चलते हैं बाबा के पास और चंगू को अपने हवाले ले लेते हैं वापस से। ओके भाई सीरियसली यार मेरे को ना अपने आर्मर को अपग्रेड करना है यार, और ज्यादा मैं अपने आर्मर को अपग्रेड कैसे करूँ भाई, क्योंकि ये पिगलिन बहुत ज्यादा डैमेज दे रहे थे यार, मेरा टोटम ऑफ अनहिंग भी वेस्ट हो गया। मेरे को नहीं लगा था, मेरे को सीरियसली नहीं लगा था कि ये पिगलिन इतनी ज्यादा डैमेज देंगे मेरे को। मेरा टूल्स तो बहुत ज्यादा तगड़े हैं, टूल्स वो भाई एक ही फटके में मैंने सारे पिगलिंस को उड़ा दिया। तो सीधा चलते हैं भाई अपने घर की तरफ। भाई सीरियसली ये नेदर से गुजरते हुए इतना ज्यादा डर लगता है ना, गलती से भी अगर मैं इस लावा के अंदर गिरा ना ब्रो, मैं रो दूंगा भाई, रो दूंगा नहीं, वैसे मेरे पास आर्मर बना लेंगे भाई, अब नहीं डरता भाई, मैं मरने वरने से डरता नहीं हूँ भाई, इतना ज्यादा मर गया हूँ मैं इस गेम के अंदर, अब नहीं डरता। और भाई अब मेरे पास सोल स्पीड 3 भी आ चुका है, अब मेरे को इन सोल सैंड पे धीरे धीरे नहीं चलना पड़ेगा, जल्दी से हम अपनी सोल स्पीड 3 अपने बूट्स के अंदर लगा लेंगे, जाते ही फिर चलेंगे बाबा के पास, बाबा को देंगे एंशिएंट डेब्रिस और बाबा को बोलेंगे बाबा चंगू को अब हमारे हवाले कर दो, हमें बर्फासुर की लोकेशन निकलवानी है बाबा, इतनी ज्यादा तैयारी करी है मैंने, इतनी ज्यादा प्रैक्टिस करी है, अब बर्फासुर को मारने के लिए मेरे को अपनी पीवीपी यूज भी तो करनी पड़ेगी, इतनी ज्यादा प्रैक्टिस तो मैंने कर ली है, लेकिन अब यूज कहां पे करूं मैं, बाबा के ऊपर तो नहीं कर सकता भाई, बाबा तो मेरे को तुरंत एक ही फटके में उड़ा देगा। अबे भाई ये विलेजर अभी भी इस नर्क में है भाई, इसको एक काम करते हैं भाई मुक्ति दिला देते हैं इस विलेजर को, नर्क में क्या ही कर रहा है ये, मुक्ति दिला देते हैं ना इसको, अब अच्छा आदमी होगा तो अब अच्छी जगह जाएगा, नर्क में रहने का क्या फायदा, ठीक है मुक्ति दिलाई भाई मैंने उसको विलेजर को, मैं यहाँ से वो वहां पे थोड़ी लेके जाता हूँ उसको, अब सीधा चलते हैं बाबा के पास। ओके इधर रात भी हो गई है, तो काम करते हैं सबसे पहले अपने सोल स्पीड को लगा लेते हैं भाई, एनविल के अंदर बूट दो भाई, बूट दो भाई, बूट दो भाई, बूट दो, और इसमें लगाओ सोल स्पीड 3, 12 सीरियसली 12। लेकिन भाई अब हमारा ओपी, इससे ज्यादा तगड़ा आर्मर और इससे ज्यादा तगड़े वेपन तो भाई क्या ही होंगे, इससे ज्यादा तगड़ा तो कुछ होगा ही नहीं, और इतनी ज्यादा तगड़ी लूट मिल चुकी है भाई अब हमें, तो सीधा चलते हैं। और मेरे को कमेंट्स में बताना प्लीज ये स्मिथिंग टेम्पलेट से क्या होगा, मेरे को नहीं पता तो मेरे को कमेंट्स में बताना प्लीज। तो अब सीधा चलते हैं बाबा के पास और उनको बोलते हैं बाबा रिचुअल करते हैं अब चलो। ओके तो भाई बाबा के घर पे आ चुके हैं, बाबा को खुशखबरी देते हैं कि बाबा हमें एंशिएंट डेब्रिस यहाँ पे मिल चुका है, अब सीधा हमें जल्दी से चंगू हमारे हवाले कर दो, ये चीज़ मैं तीसरी चौथी बार बोल रहा तो, लेकिन भाई मेरे को चाहिए भाई चंगू, बर्फासुर की लोकेशन चाहिए भाई मेरे को जल्दी से। हेलो बाबा, अरे बाबा कहाँ चले गए, अरे बाबा अबे बाबा ये क्या कर रखा है बाबा ने इधर, अरे बाबा भाई सीरियसली बाबा जब जब मैं आता हूँ तब तक गायब हो जाता है, अरे बाबा हेलो बाबा आ गया तू, अरे बाबा कहाँ गायब हो गए थे बाबा, मैं एंशिएंट डेब्रिस लिया बाबा, ये लो बाबा एक ही दूंगा भाई,
बाबा ये लो एंशिएंट टैबलेट चाहिए था ना आपको, ये लीजिए अब चले वो रिचुअल करने के लिए। हाँ मेरे पीछे पीछे आ। ठीक है बाबा चलो आया। अरे बाबा इतनी धीरे धीरे क्यों चल रहे हो, बाबा की उम्र हो गई है लग रहा है बाबा की उम्र हो गई है इसलिए बाबा इतनी धीरे धीरे चल रहे हैं। बाबा रिचुअल के लिए जाना कहाँ पर है? अच्छा आपके सीक्रेट अड्डे पे ओके। अरे बाबा बाबा किस वाले में जाना है? इस दूसरे वाले में। ओके बाबा चलो बाबा पहले आप। बाबा चले गए अब हम चलते हैं सीधा उधर। ओके तो भाई यहाँ पर वापस से हम आ चुके हैं। अरे बाबा कहाँ गए? अरे बाबा मेरे को छोड़ के मत जाया करो बाबा इतनी खतरनाक सी जगह पर। जल्दी से मेरे पीछे पीछे आओ। बाबा ठीक है बाबा। बाबा ये तो वही जगह है ना जहाँ पर हमने पहले रिचुअल करा था, जहाँ से हमें पता लगा था कि बर्फ असुर को हमें मारना है। नहीं ये जगह दूसरी है। ये दूसरी जगह है? हाँ ये वो जगह नहीं है। ठीक है बाबा डरा क्यों रहे हो? अरे बाबा वही तो जगह है, दूसरी जगह थोड़ी है। इधर क्या रिचुअल करना है आपको? जल्दी करो, जल्दी से चंगू को मेरे हवाले करो। पीछे जाकर खड़ा हो। पीछे जाके खड़े हो जाऊँ? ठीक है बाबा अब तो बार बार बेइज्जती करके मेरे को पीछा भेज देते हो। क्या रिचुअल करना? ओए अच्छा एंशिएंट डेब्रिस इधर लगाना था। ओके अब वो बिजली कड़काओगे क्या बाबा फिर से? अरे बाबा आया चंगू उधर। भाई ये बाबा का बिजली से कुछ कनेक्शन लग रहा है मेरे को। हो गया? आया चंगू अभी? चेक करो। नहीं अभी नहीं आया। फिर से करना पड़ेगा? करो भाई करो। क्या मुश्किल इतनी क्या हो रही है बाबा? बिजली कड़का ही तो रहे हो आप, इसमें क्या मुश्किल हो रही है आपको? इसमें भी मुश्किल लग रही है? अब चेक करो। हो गया? नहीं अभी भी नहीं। अरे वाह बाबा आपकी बिजली काम नहीं कर रही क्या? हुआ? अरे बाबा उड़ रहे हैं बाबा। अरे बाबा फॉर्म में आ गए भाई। बाबा फॉर्म में आ गए। अरे बाबा भाई पूरे फुल फॉर्म में भाई आए बाबा? अभी भी नहीं आया। नहीं आया अभी भी? बाबा एक दोबारा और ट्राई करो क्या पता आ जाए। इतना ज्यादा क्या मुश्किल हो रहा है बाबा? कुछ और ट्राई करो बाबा, कुछ तो ट्राई करो। ऐसे कैसे नहीं आ रहा भाई अपनी जगह पर वापस? ऐसे कैसे नहीं मार रहा वो चंगू? दो चाटे लगा, दो बिजली उसके पिछवाड़े पे फेंक के मारो, ऐसे कैसे नहीं आएगा? अरे बाबा आप क्या करो? अरे बाबा आप ऊपर। अरे भाई बाबा आप और ऊपर चले गए भाई। बाबा तो हवा में उड़ने लग गए। ओके बाबा कितनी भाई ये तो कॉन्टिन्यूसली बस बाबा बस अब आया। हाँ, आ गया सच में? ओके चले फिर। हाँ चलो चलो लेट्स गो भाई। अच्छा बाबा इसलिए बोल रहे थे कि बहुत ही ज्यादा मुश्किल से चंगू ने अपनी जगह बदली थी और ऐसे ऐसे उनकी मर्जी के बिना हम उनको इधर उधर नहीं कर सकते। बाबा को कुछ ज्यादा ही दम लगाना पड़ा, बिजली का कुछ ज्यादा जोर लगाना पड़ा चंगू को उधर करने के लिए वापस से। लेकिन कोई बात नहीं भाई, सबर का फल मीठा होता है। अब चंगू से हम बर्फासुर की लोकेशन निकलवाते हैं। पहले देखते हैं अब चंगू आया भी है या नहीं है। बाबा हमसे मजे ले रहे हैं, एक बार सीधा चलते हैं चंगू को देखने के लिए। ओके चलो बाबा। ओके तो भाई फाइनली हम तांत्रिक बाबा के घर पर वापस आ चुके हैं। अब सीधा चलते हैं मेरे घर पर और देखते हैं क्या चंगू उधर आया है वापस या फिर नहीं। ओके बाबा चलो। अरे बाबा जल्दी जल्दी आओ बाबा, इतनी धीरे धीरे क्यों चल रहे हो बाबा? आपकी उम्र हो गई क्या अभी? सही बताओ बाबा। अरे बाबा सॉरी। अरे बाबा आपके घर के सामने इतने सारे क्रीपियर क्यों रखे रहते हैं इनको? अरे मेरे पीछे पड़ गए बाबा। चलो बाबा जल्दी चलो मेरे घर पे, जल्दी से चलो भाई। ओके तो भाई फाइनली हम अपने घर पे आ चुके हैं। अब देखते हैं क्या चंगू आया या नहीं बाबा। अरे बाबा कासल देख के हिल गए क्या बाबा? ये इतना बड़ा कासल किसका है? मेरा बाबा मेरा। बढ़िया है ना? हाँ कासल तो बढ़िया लग रहा है। अरे बाबा क्या बताऊँ, कुछ दिन के लिए मैं मजदूर ही बन गया था पूरा। लेकिन कोई बात नहीं, इस कासल को छोड़ो, अभी हमारे पास इम्पोर्टेंट काम है, चंगू के पास जाना और उससे बर्फासुर की लोकेशन निकलवाना। जल्दी आओ बाबा, इसके नीचे आना चाहिए ना, आपने यहीं से तो उठाया था। आओ। अरे बाबा बस कितना देखोगे मेरे कासल को, बस करो। चलो कोई बात नहीं, इस कासल में आपको एक कमरा दे दूंगा, टेंशन मत लो। आ जाओ, चंगू उधर आ गया होगा तो, वरना तो आप किसी काम के नहीं हो। मजाक करो बाबा, मारना मत, मजाक करो। चलो बाबा तो यहाँ पे नीचे जाके चंगू इधर होना चाहिए। ओए हेलो, बाबा चंगू कहाँ है? चंगू कहाँ है बाबा? इधर तो है ही नहीं।
अरे बाबा चंगू कहाँ चले गया?